सीकर विधानसभा से दो बार चुनाव लड़ चुके वाहिद चौहान ने भी कांग्रेस से दावेदारी ठोकी है। रविवार को कांग्रेस की बैठक में दावेदारी करने आए शिक्षाविद वाहिद चौहान ने कहा कि सीकर में उनका पिछले 35 साल का रिकॉर्ड है। सीकर की हजारों लड़कियों को उन्होंने यहाँ पढ़ाया है। सीकर में माइनॉरिटी के 70,000 वोट हैं, जिनमें से 60,000 वोट उनके फेवर में है। एजुकेटेड लोग और कांग्रेस समर्थित भी उन्हें अपना वोट देंगे। ऐसा है कि मेरा जो वोटर युवा मेरा वोटर वो बेटियां सीखे, उनका बहुत प्रेशर था मेरे कि आपको इलेक्शन लड़ना ही है, अब की बार हम जिताएंगे। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट या कोई छोटी पार्टी से नहीं लड़ना चाहता। अगर कांग्रेस देती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन लड़ूंगा तो इंशाल्लाह जरूर जीतूंगा। आप नहीं, कई ये भी कह रहे हैं कि पदाधिकारी की प्राथमिक सदस्यता अभी तक आपने कांग्रेस की नहीं ली है, तो किस बेस पे टिकट के लिए आपने दावेदारी की? सदस्य क्या, पिछली बार तो सुभाष महरिया के लिए मैंने कैंडिडेट से किया, पेपर भी किया, मुझे अशोक जी ने भेजा था, अविनाश पांडे जी और अशोक जी ने महरिया जी के बोलने पर मुझे बुला के सीकर में कैनवेसिंग के लिए भेजा गया। तो फिर और क्या एंट्री नहीं, प्राथमिक सदस्यता है उस ले लेंगे क्या तो कोई बड़ा कोई तो। इससे पहले भी आपने है जो कि दो बार इलेक्शन लड़े, वो दोनों अलग पार्टियों से थे, और इस बार अचानक कांग्रेस का रुझान वापस मूव कैसे हुआ कि कांग्रेस से? पहले कांग्रेस ने दी नहीं थी टिकट, देती नहीं है कांग्रेस, लेकिन मैंने सोचा था अभी छोटी पार्टी से नहीं लड़ू, मेरे लड़ने से कांग्रेस हार जाती है। मेरा पर्सनल वोट अब आज की तारीख में 60,000 वोट है कम से कम, और मैं लड़ता हूँ फिर कांग्रेस आ जाए, और मैं नहीं चाहता हूँ प्राइवेट पार्टी से उसी पार्टी से। तो कांग्रेस से अप्लाई कर रहे हैं, कांग्रेस के वोट टिकट दें तो उनमें सीट आराम से निकालता। टिकट देने की और नहीं देने की स्थिति में क्या रहेगा? अगर फिर भी अगर नहीं देती है तो फिर मेरे वोटर को निराश करना पड़ेगा, लड़ूंगा नहीं। तो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, किसी नहीं, पार्टी से या निर्दलीय या कैसे क्या? नहीं, एक बार कांग्रेस को मैंने जबान दे दी है कि आपके साथ में हूँ, आपके साथ में नहीं भी हुआ तो कहेंगे नहीं, जबान से फिर। अगर किसी को भी कांग्रेस से टिकट देते हो तो क्या उनका साथ देंगे? बिल्कुल, अगर जबान दे दी है पार्टी ज्वाइन हो गया तो पार्टी जो भी आदेश होंगे। तो ऐसा कैसे हुआ अचानक से कि दो इलेक्शन आप अलग थे और आपकी कई सारी चीज़ें थी जो सीकर को लेकर के आपने एक सपना देखा था कि इस तरह से ये सब चीज़ें होंगी, और फिर वो नहीं बैठ पाई और वापस से अब ऐसा लग रहा है कि कोई गठबंधन हुआ है या कोई बातचीत हुई है या कैसे? नहीं, गठबंधन नहीं हुआ है। जीतने का मैंने सोचा कि जीत किससे सकता, सिर्फ कांग्रेस अगर टिकट देती है तो ही मैं जीत सकता, अदरवाइज मैं कांग्रेस को हरा सकता हूँ आराम से, वो मैं नहीं करना चाहता, मैं कांग्रेस को जिताना चाहता हूँ। तो पहले भी आपने एक बार हराया था, तो कुछ उसके बाद में कोई अफसोस रहा कि मेरी वजह से ये हुआ या कैसे क्या? नहीं, अफसोस ये रहा कि मैं जीत नहीं सका, मैं हराने से मतलब नहीं था, अफसोस ये रहा कि जीत नहीं सका। और अब की बार भी अगर मैं कांग्रेस से अगर नहीं लड़ दूसरी पार्टी से लड़ूंगा तो फिर यही होगा कि कांग्रेस आ जाएगी, वो मैं नहीं करना चाहता। आला कमान से कोई आपको सिग्नल है कि आप आगे कुछ नहीं? नहीं, अभी तो शुरुआत यहीं से हुई, यहीं से शुरुआत हुई, अभी देखो आगे यहाँ से क्या फीडबैक जाता है, उस पर डिपेंड। लेकिन पूरी उम्मीद है कि मुझे कांग्रेस टिकट देगी और सीट बहुत अच्छे ढंग से निकाली। ऐसा आपको किस आधार पे लगता है कि राजेंद्र पारीख है वर्तमान में विधायक हैं और इतने लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए, उनकी टिकट कटेगी और आपको मिलेगी, ऐसा कैसे आपको लग रहा है? मुझे उनसे मतलब, मुझे मतलब है अगर ये अगर रियल ढंग से असेसमेंट करे मेरा वोटर का, माइनॉरिटी का 70,000 वोट है, अगर मैं खड़ा हुआ था तो 95% वोट, फिर जो दूसरे तबके का जाट भाई मुझे एजुकेटेड ग्रुप है वो मुझे वोट देगा, फिर कांग्रेस का पार्टी का जो वोट होता है बहुत ही अच्छे मार्जिन से दे सकता है। हाल ही में एक सभा हुई थी, उसमें सभापति जीवन खान ने भी कहा कि अगर राजेंद्र जी पारीख की टिकट कटती है तो मोमडन से वो सपोर्ट कैसे करेंगे क्या, या वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं, इस पे क्या? अभी उनके पर्सनल वोट कितने हैं मुझे पता नहीं, ये उनके पता नहीं, तो मेरे पर्सनल वोट जानता हूँ, मेरे घर घर में मेरी बेटियाँ हैं, बड़ी हुई बेटियाँ हैं, उनके भाई हैं, उनके बहनें हैं, माएँ हैं, दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, उनके
दादा वगैरह जो है ना वो अगेंस्ट है कि इसने लड़कियों को पढ़ा दिया बिगाड़ रहा है करके, लेकिन यंगर जनरेशन बहुत खुश है, घर घर में बराबर। तो मुझे वो देखते हुए कांग्रेस को सोच के सोचना चाहिए, सबसे सीट सेफर सीट है अगर मुझे देते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको टिकट कांग्रेस देगी? अगर कंसीडर करेंगे ठीक से तो देना चाहिए, तो मुझे उम्मीद रख देंगे। तो आला कमान से कोई बातचीत करेंगे आप जाकर के यहाँ से? अभी जो भी प्रोसेस होगा उस पर करेंगे, जो भी बुलाएंगे वो जाएंगे। चौहान ने कहा कि यदि मुझे टिकट नहीं भी मिलती है तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूंगा। हम आपको बता दें कि सीकर विधानसभा सीट से वाहिद चौहान साल 2013 में एनसीपी और 2018 में आरएलपी की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं।